आज से 10-12 साल पहले जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे ने मुंबई से उत्तर भारतीयों और बिहारियों को बुरिया बिस्तर समेट लेने की धमकी दी थी, तो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने उन्हें जवाब दिया था कि यदि उत्तर भारतीय काम करना बंद कर दें तो मुंबई थम जाएगी। निरुपम के दावे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुंबई की रफ्तार को उत्तर भारतीयों ने न केवल तेज रखा है बल्कि अब वह देश की व्यावसायिक राजधानी की राजनीति की दिशा तय करने वाली असरदार ताकत भी बन गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर भारतीयों और बिहारियों के विरोध की राजनीति को अपना हथियार बनाने वाली शिवसेना और मनसे अब इस वोट बैंक के दरवाजे पर जा रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं और मुंबई के आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक तथा राजनीतिक ढांचे में उनके महत्व को तवज्जो देने लगे हैं। आज धारणा यही है कि शिवसेना का जन्म उत्तर भारतीयों के विरोध की धरती पर हुआ, मगर यह भी सच नहीं है। सन 1960 के पहले मुंबई तथा महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से प्रभावित था। उस वक्त इन क्षेत्रों की राजनीति के केंद्र में भी संयुक्त महाराष्ट्र ही था। सन 1960 में महाराष्ट्र के नया राज्य बनते ही संयुक्त महाराष्ट्र की राजनीति भी खत्म हो गई। उसके बाद कार्टूनिस्ट से राजनेता बनने की राह पर चल पड़े बाला साहब ठाकरे ने मराठी अस्मिता का मुद्दा उछाला और मुंबई में अन्ना यानी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर भारतीय उस वक्त भी मुंबई में थे, मगर ठाकरे का निशाना बने दक्षिण भारतीय। अन्ना विरोधी राजनीति ने शिवसेना को न केवल जन्म दिया बल्कि महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत भी बना दिया। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना के साथ साथ पार्टी का मुखपत्र मार्मिक भी निकाला, जिसमें दक्षिण भारतीयों से संबंधित सामग्री में उन्हें लुंगी वाला संबोधित किया जाता था। लुंगी वाला के विरोध ने 70 के दशक में शिवसेना को मुंबई की बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया। बाला साहब हर चुनाव में निर्णायक शक्ति बन गए। मराठी वोट बैंक उनके साथ खड़ा हो गया। बाला साहब के दक्षिण भारतीयों के विरोध की सबसे बड़ी वजह यह थी कि 60 और 70 के दशक के बीच में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक से रोजगार की तलाश में मुंबई में बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय आकर बसने लगे। उस दौर में खेती किसानी में व्यस्त उत्तर भारतीयों के लिए मुंबई के प्रति खास आकर्षण नहीं था। मुंबई में रोजगार की संभावना वे देखते नहीं थे, क्योंकि उत्तर भारत और बिहार में शिक्षा के अभाव के कारण अच्छी नौकरियों के प्रति आकर्षण कम था। इसके विपरीत दक्षिण भारत से अच्छी नौकरी या व्यवसाय करने के लिए मुंबई में व्यापक संभावनाएं दिखने लगी थीं। 60 और 70 के दशक में मुंबई में दक्षिण भारतीयों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हुई। वे मुंबई में मजबूत वोट बैंक बन गए। यह वोट बैंक कांग्रेस के प्रभाव में था और उसे मजबूती प्रदान करता था। बाला साहब को पता था कि यह मराठी अस्मिता को मुद्दा उठाए बिना शिवसेना के पैर मजबूती से जमा नहीं सकते। कांग्रेस को मराठी भाषियों के साथ साथ मुंबई में उद्योग व्यवसाय पर वर्चस्व रखने वाली गुजरातियों को भी समर्थन हासिल था। मुंबई के सामाजिक जीवन में उत्तर भारतीय उस वक्त पृष्ठभूमि में थे। बॉलीवुड में सक्रिय कुछ गीतकारों, फिल्म निर्माता, निर्देशकों और साहित्यकारों तक ही मुंबई में उत्तर भारतीयों की पहचान जीवित थी। उत्तर भारतीय मुंबई की राजनीति में अछूते पहलू थे। उन्हें बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं समझा जाता था, इसीलिए बाला साहब ने उन्हें टारगेट नहीं बनाया। लेकिन 80 के दशक से हालात बदलने पड़े तथा शिवसेना, कांग्रेस और भाजपा को अपने राजनीतिक लक्ष्य और प्राथमिकताएं बदलनी पड़ी। मुंबई की चुनावी राजनीति की श्रृंखला का पहला भाग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। मुंबई के चुनावी राजनीति की और रोचक बातें जानने के लिए देखते रहिए लोकमत न्यूज़।